मैं क्रिकेट प्लेयर था एक्चुअली, नेशनल क्रिकेट प्लेयर था, मैंने सारी ट्रॉफीज और सब कुछ खेली हुई, और अचानक से एक प्ले ने, एक नाटक ने इस खिलाड़ी की दुनिया बदल दी और सीधे फिल्मी दुनिया की तरफ पदार्पण हो गया। उस नाटक को देख के मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैं जो अंदर से जो मेरी आत्मा कह रही है, वो शायद ये है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त योगेश खत्री। हम आपके लिए लेकर आए हैं लुत्फ़े ज़िंदगी का एक नया एपिसोड, जिसमें आज हमारे साथ हैं निर्देशक फिल्मों के सूरज तिवारी। सूरज तिवारी जी से हम बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और कुछ अनुभव आपके आपके साथ साझा कर रहे हैं, अपने दर्शकों के साथ, और आपके जीवन के कुछ संस्मरण, कैसे आप बने निर्देशक, कुछ ऐसे ही समसामयिक सवालों को लेकर हम आपसे ये बातचीत कर रहे हैं। और आपसे बातचीत करते हुए मैं, आपका नाम चूंकि सूरज तिवारी है तो हमको एक शेर याद आ रही है, वो इस तरह से है कि सूरज हूँ जिंदगी की रवक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूरज तिवारी साहब। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और मथुरा में हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और आज वास्तव में सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। हाँ, मौसम सुहावना है, देखो हवा चल रही है, लेकिन सर्दी की धूप का अपना अलग ही नॉर्थ में आनंद होता है। और आपके चैनल इंडिया टुडे के माध्यम से, टीवी टुडे के माध्यम से हम रूबरू हो रहे हैं यहाँ की जनता, और ये तो वर्ल्ड वाइड अब चैनल हो गया, वर्ल्ड वाइड चीज़ें हो गया, अक्रॉस द वर्ल्ड आप देख सकते हैं आज के टेक्निकल साधन और संसाधन बने हुए हैं। बताइए सर, मौसम ऐसा हो रहा है कि हमें ये आ रहा था कि हम ये कह रहे थे कि बाल होने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं इस समय, जैसे हमको अब हमारी तो जुल्फें बिखर रही हैं, बिखरी जुल्फें तो महिलाओं की अच्छी लगती हैं, अब इस समय लग रहा है कि बालों का नहीं होना अच्छा होता है। हाँ वाह, मुझे तो इस समय आपको अच्छा लग रहा होगा। ज़्यादातर केसों में 99% केसेस में बालों का ना होना बहुत बढ़िया है, एक ही केस में नुकसानदायक होता है, लेकिन वो एक केस बहुत बड़ा है, वो जो लड़कियों का महिलाओं का केस है, वो थोड़ा हम जैसे लोगों को कम पसंद करती है, आप जैसे लोगों को। कैसी बात कर दी बालों के बारे में, तो ये भी कहते हैं कि गंजे सर वाले होते हैं पैसे वाले। वो पैसे वाले वाली एक कहावत, गाना भी बना हुआ है फिल्म में एक। हाँ बिल्कुल, बना हुआ काफी सारे। तो आप कितने पैसे वाले हैं ये मैं आपको ऑफ स्क्रीन बताऊंगा। हुनर वाले तो खैर आप हैं, नहीं है ना, अगर सोचियो कि आपको सूरज तिवारी कहाँ पर उत्पन्न हुए, उदय कहाँ पर हुआ सूरज तिवारी जी का, और आज प्रकाशित क्या कुछ कर रहे हैं? मेरी पैदाइश बिल्कुल यहीं के पास की आगरा की है, और मैं पिछले काफ़ी समय से मुंबई में लेखन और निर्देशन के काम से जुड़ा हुआ हूँ अभी, और मेरा, मैं क्रिकेट प्लेयर था एक्चुअली जी, तो नेशनल क्रिकेट प्लेयर था, मैंने सारी ट्रॉफीज और सब कुछ खेली हुई हैं जी, और अचानक से एक प्ले ने, एक नाटक ने इस खिलाड़ी की दुनिया बदल दी और सीधे फिल्मी दुनिया की तरफ पदार्पण हो गया। उस नाटक को देख के मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैं जो अंदर से जो मेरी आत्मा कह रही है वो शायद ये है, मुझे ये काम करना है, मैं कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो नाटक सिंहासन है, खाली है, एक नाटक था, उसको देख के मेरे को एकदम रातों रात चेंज हो गया और मैं इस वर्ल्ड में एंटर हो गया। ये छोटी सी एक स्टोरी है जो कि इस दुनिया की तरफ मुझे खींच के लेके आई। ये कितने साल पहले का वाक्य है? ये करीब 17-18 साल पुरानी बात है। अच्छा जी हाँ, और लेकिन एकदम से फिल्मी लाइन में आना नहीं हुआ, क्योंकि सभी को पता है कि रास्ते कैसे बनते हैं और क्या पूरा हर कोई भी फील्ड हो, चाहे वो फिल्मी लाइन हो या मीडिया लाइन हो या एजुकेशन लाइन हो, समय लगता है। स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्टिंग करी? कोरियोग्राफी से, मैं डांस कोरियोग्राफी से स्टार्टिंग करी सिखाना, फैशन कोरियोग्राफी करी, इवेंट्स का काम मैंने बहुत किया, एग्जीक्यूशन का, डायरेक्शन का, और इवेंट्स में जितनी विधाएं होती हैं लगभग वो सारी विधाओं के मैंने इवेंट्स करे। तो वो करते करते अचानक फिर एक लाइफ में वो आया कि यार
शुरुआत वही थी करना, तो मुझे फिल्म मेकिंग थी। हाँ। मैं फिर से यहाँ फंसा हुआ हूँ। हाँ। तो पिछले 4-5 साल पहले डिसीजन लिया और मैं हाँ। सब कुछ अपना बना बनाया सेटअप सारी चीज़ें छोड़ के मैं शिफ्ट हो गया मुंबई जी। और मैंने अपनी फिल्मी जर्नी जो है वो शुरुआत कर दी प्रॉपर तरीके से। यहाँ रह के भी मैं डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स और ये सब बनाता रहता था शौकिया तौर पे जी। काफ़ी समय पहले मैंने एक म्यूज़िक एल्बम किया था जो कि वीनस म्यूज़िक वर्ल्ड वाइड ने रिलीज़ किया था, जिसका कि नाम था जय हो बांकी बिहारी, जो हम आज यहाँ पर जय हो आपके यहाँ पर ही हैं। उसको रविंद्र जैन साहब ने, अनूप जलोटा जी ने, लखबीर लखा ने, अरविंदर ने, इन सभी ने गाया था। बहुत खूबसूरत एल्बम था जो कि वीनस ने रिलीज़ किया था जी। और मैंने एक आपके यहाँ पर भी उसका ऑफिशियल यू नो एक कर्टन रेजर और एक इनॉग्रेशन यहाँ पर भी उस म्यूज़िक वीडियो एल्बम का किया था मैंने, जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी का उसमें सारे बिहारी जी पे गाने हैं, उसमें 6 गाने हैं। अच्छा, बिहारी जी पे ही हैं। आपको मुखड़े थोड़े से बताएं आप। एक उसमें गाना है कृष्णा कृष्णा वंशी वाले मोर मुकुट वाले कृष्णा, एक गाना ऐसा है। और एक आरती है उसमें, क्योंकि आरती अनूप जलोटा जी ने गाई है, बहुत बेहतरीन गाई है। और उस आरती में सिर्फ भगवान के श्री कृष्ण के नाम से ही वो आरती है जी 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 जी। आओ उतारे आरती बांके बिहारी की आरती, और फिर वो नाम ही नाम है कृष्ण जी के, भगवान के नाम से ही हम आरती कर रहे हैं, वो ऐसी आरती है। तो ऐसे करके उसमें 6 भजन हैं, पूरे बिहारी जी पे हैं, तो सबको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। होली का गाना है जो यहाँ पर पूरा ब्रज का एक माहौल है, वो 6 गानों में हमने कोशिश करी है होली। मतलब आपने अपने अनुभव को, आपने अपने खजाने को जो आप जानते हैं उसको समेटने का प्रयास किया इस एल्बम में जी, कि जी, आप आगरा के रहने वाले हैं तो आपने कहा कि हम बिहारी जी पर एक ये वीडियो एल्बम अपनी जारी करें, ये भजन जारी करें जी, है ना जी। और आप बार बार अभी जब 2 बार नाम ले रहे थे अनूप जलोटा जी का, तो अनूप जलोटा जी का नाम तो इस समय काफ़ी चर्चाओं में रहा ही है, आपको लेकर तो बात होनी ही है कि बिल्कुल बिल्कुल। वो जलोटा जी के बारे में क्या विचार हैं आप? बहुत ही बेहतरीन आदमी है, और मतलब मैं एक ही बात उनके बारे में कहूँगा, इतनी उम्र होने के बाद, भजन सम्राट होने के बाद देश का, और ज़िंदगी को वो पूरे बेहतरीन तरीके से जीते हैं एक्चुअली जी। वो एक कला जो आदमी खोजता रहता है ना ज़िंदगी भर कि यार कैसे लाइफ को सर्वाइव करा जाए, कैसे जिया जाए, तो वो कला उनको आ गई है जी। और वो हर मोमेंट का आनंद लेते हैं, और गाने में और भजन गाने में तो उनका अभी भी कोई सानी नहीं है। मेरा गाना जब रिकॉर्ड करने के लिए वो आए थे जी, तो 7 मिनट में स्टूडियो से बाहर थे वो, विद इन 7 मिनट ही रिकॉर्डेड द सॉन्ग। वेरी नाइस। तो इतने शार्प हैं वो, शब्दों पे उनका कमांड इतना बेहतरीन तो है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस वक्त भी, इस उम्र में भी कैसे लाइमलाइट में आया जाए, तो उन्होंने ये जसलीन वाला फंडा। नहीं नहीं नहीं, ये तो मतलब फंडा तो ये कुछ ऐसा नहीं है ये फंडा। हाँ। वो शायद उनको भी नहीं पता था कि ये कहानी इस मोड़ तक और इतनी आगे देश में चली जाएगी। हाँ। तो वो तो एक लाइफ है उनका, जी रहे थे। अब जैसे आप हो, मैं हूँ, सभी लोग लाइफ जी रहे हैं। क्या आपकी चीज़ एक पकड़ के देश का मीडिया या हम लोग उसे उछाल के कुछ और रूप में दिखा दें, वो अलग अलग बातें हैं एक्चुअली। वो उस तरीके से उनसे नहीं जोड़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं उनके साथ में ये ड्रामा था टोटली, उन्होंने कहा, ये उन्होंने कहा ड्रामा था, लेकिन बनाया ड्रामा तो किसी और ने ही ना। हाँ। उन्होंने तो नहीं बनाया, उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे और मेरी इस चीज़ को आप ऐसे प्रमोट करो। उन्होंने तो नहीं कहा ये जी। मैं उनके साथ में काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, मेरा 1-to-1 उनसे बातचीत है, और 4-5 शोज उनके साथ में मैं कर चुका हूँ, चूँकि मेरे इवेंट का बैकग्राउंड भी अपना जी। तो वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरा अपना अनुभव जो है। अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब ऐसा कुछ आपको लगता नहीं है? नहीं, कि बहुत ज़्यादा रहा होगा उनके और जसलीन के मध्य, है ना? जसलीन जो हैं, उनकी जैसी कितनी उनकी शिष्याएं हैं देश में विदेश में। हाँ। तो आपने उनके साथ उनका नाम क्यों नहीं उछाला जी? ऐसी तो उनकी तमाम शिष्याएं रही हैं, जो आदमी भजन सम्राट है, देश को भजन के नाम पे नंबर 1 पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या उनकी शिष्या एक जसलीन ही है जी? कोई और नहीं रही होंगी? बिल्कुल। एक वही क्यों मिली आपको जी? जी, ऐसी तो काफ़ी सारी थी। तो ये कौन कब मीडिया को क्या पकड़ में आ जाए और किस चीज़ को वो किस तरीके से प्रमोट कर दें, ये सब अलग बात है और अलग ही दुनिया है। खैर, उसको छोड़ते हैं अपने सही बात है। अनूप जी हैं। हाँ। और दूसरा, एक आपकी फिल्म आने वाली है, रिलीज होने वाली है, आई एम जीरो। यस,
ये एम जीरो अभी फिल्म फेस्टिवल्स में चल रही है, अपना धमाल मचा रही है, कमाल दिखा रही है, तो आम जनमानस को ये कब देखने को सुलभ होगी? और इसकी जो कथा है, पटकथा अभी जो इसकी पूरी, मैं एक लाइन है, एक लाइन में आपको कहानी बता देता हूँ। कहानी एक 15 साल की मुस्लिम लड़की की कहानी है जी, जो कि भगवत गीता की तरफ जाती है और जीवन के सार को, जिंदगी जीने की कला को समझती है। फिर कोई एक मुस्लिम लड़की 15 साल एक मुस्लिम लड़की भगवत गीता की तरफ जाती है, उसके ज्ञान को समझती है, इंसानियत को समझती है, कैसे लोगों को करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए वो समझती है, और धर्म कुछ नहीं है, धर्म कभी भी तोड़ता नहीं है, धर्म जोड़ता है, ये बात वो कहती है, ये बात वो प्रचारित कर रही है। और अंत में उस फिल्म में उसके साथ में क्या होता है, इस तरह की ये कहानी है। और फिल्म देश में और विदेश में फिल्म फेस्टिवल्स के थ्रू काफ़ी वाहवाही बटोर रही है। जैसा कि अभी असम गवर्नमेंट ने फिल्म को ऑफिशियल स्क्रीन के लिए बुलाया था और वहाँ पर उन्होंने एक अवार्ड दिया फिल्म को। अभी रिसेंटली जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। इससे पहले चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला है जी। उससे पहले इफ़ गोवा का फेस्टिवल जो होता है उसमें फिल्म को फेस्टिवल मेंशन का अवार्ड मिला है। और इसके अलावा अफ्रीकन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसमें फिल्म ऑफिशियल सेलेक्ट हुई है जी। इसके अलावा कई और फेस्टिवल आने वाले हैं और जो हो चुके हैं जिनमें फिल्म ऑफिशियल सेलेक्ट हुई है जी। तो ये तो फेस्टिवल सर्किट है जो हम कवर कर रहे हैं फिल्म को, और काफ़ी जगह फिल्म को सराहा जा रहा है, प्रशंसा हो रही है, वाहवाही मिल रही है। चूँकि ये फिल्में ऑफ बीट फिल्में कही जाती हैं, इस तरह की फिल्में और भी आई हैं, तो सिनेमा में जाने का बड़ा स्ट्रगल होता है जी। तो हम फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से, एक एक फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से 5,000 लोगों तक कहानी जाती है जी। तो इस तरीके से ये कहानी को हम बता रहे हैं, और आने वाले समय में जो डिजिटल हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है जी, और गवर्नमेंट के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं इन तरह की फिल्मों के लिए, उनका एक अपना जैसे डेटा बैंक है, जैसे चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल सोसाइटी है और इनका फिल्म डिवीज़न है जिनमें डेटा बैंक होता है अपना, तो इस तरीके की फिल्मों को वो लेते हैं, संग्रह करते हैं और उनको दिखाते रहते हैं हमेशा। तो मेरा उनसे बातचीत चल रही है, तो जल्दी हम इन प्लेटफॉर्म तक उस फिल्म को देंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म को देख पाएंगे। आपने शॉर्ट फिल्म्स तो काफ़ी बनाई हैं, एड फिल्म्स भी बनाई हैं आपने, और वीडियो एल्बम्स आपकी तमाम आई हैं, तमाम कंपनियों ने वो जारी की है। आपकी फीचर फिल्म ये पहली है? हाँ, फीचर फिल्म पहली है। ड्यूरेशन इसकी कितनी है? ड्यूरेशन 1.5 घंटे करीब की इसकी ड्यूरेशन है, 70 मिनट का। और जो पहले की जो आप बात कर रहे हैं, मैं कुछ एक एक जो ज़्यादा अच्छी रही उनका बता देता हूँ। एक मस्टर्ड ऑयल का एड फिल्म हमने करा था जिसमें अमन वर्मा और पायल रोहतगी थे, वो एड फिल्म काफ़ी चर्चाओं में रही थी, काफ़ी टेलीविजन पर चली थी वो नॉर्थ में और ईस्ट में। और इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री थी जो यमुना तो फिर भी मैली, यमुना फिर भी मैली, ये इसका टाइटल था हमारी डॉक्यूमेंट्री का जी, यमुना पे बेस्ड थी। यमुना तो फिर भी मैली अमेरिका में स्क्रीन हुई थी, जो कि जॉन एफ कैनेडी जो वहाँ के हैं, उनके प्रपोत्र एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वर्ल्ड वाइड वाटर करके, तो वो इंटरनेशनल उनका कॉन्फ्रेंस होता है, तो वहाँ पर इंडिया से 3 लोगों ने रिप्रेजेंट करा था, उनमें हमारी एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री गई थी जो वहाँ स्क्रीन हुई थी, तो वो हमारे लिए एक बड़ी बात थी। और इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म थी जिसको काफ़ी अवार्ड्स मिले थे, जिसका नाम था भिक्षा से शिक्षा की ओर, जो कि एक ट्रैफिक पे भीख मांगती बच्ची की कहानी थी। उसका स्ट्रगल था कि कैसे उसे फिल्म में हम ट्रैफिक से और एक भिखारी से लेके हम एक स्कूल तक पहुंचाते हैं, और वो क्या पढ़ रही है, फिर उसकी ज़िंदगी क्या होती है, तो एक मैसेज देती हुई ये फिल्म थी जिसको कि काफ़ी देश में अवार्ड्स मिले थे। तो इसके अलावा कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ हैं जो रिलीज़ हुए RDC कंपनी से, वीनस से, अभी 2 हमारे म्यूज़िक वीडियो वीनस कंपनी से फिर से रिलीज़ होने वाले हैं 7 फेब को, जो कि हम अभी थाईलैंड शूट करके आए हैं, जिसमें इंडियन एडन का लड़का रजत आनंद है और एक TV एक्ट्रेस है उर्वशी, जिसको हमने अभी शूट करा है, जो अभी रिलीज़ होने वाले हैं नए। तिवारी साहब, आपके टाइटल इतने प्यारे हैं, यमुना तो फिर भी मैली, हाँ, और भिक्षा से शिक्षा की ओर, इनका विश्लेषण करने की ओर हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा। यमुना जी तो इसलिए कि आप समझ ही सकते हैं कि यमुना जी का महत्व तो मथुरा में सर्वाधिक है, विश्राम घाट है यहाँ पर, यस, यस, तो यमुना तो फिर भी मैली क्यों? हाँ, वो एक्चुअली आपने क्या शो किया है? टाइटल जो अपने वृत्त चित्र में, हाँ हाँ, टाइटल आप जो रखते हैं, चाहे वो फीचर फिल्म का हो या आप अपनी न्यूज़ के माध्यम से जब टाइटल रखते हो, तो वो टाइटल अट्रैक्ट होना चाहिए, और टाइटल ऐसा होना चाहिए जो एकदम से लगे
और जिज्ञासा पैदा हो उसको देखने की, सुनने की, पढ़ने की, तो ऐसा होना चाहिए। तो उसके पीछे ये था कि यमुना तो फिर भी वैली, मतलब इतना प्रयास हो रहा है यमुना के लिए काम करने के लिए, इतने लोग जुटे हुए हैं, सरकारी योजना आ रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं जिस यमुना को देख रहा हूँ वो तो अभी भी मैली है। वेरी नाइस। वो टाइटल मैंने इसलिए रखा कि यार यमुना अभी भी मैली है। अभी पिछले दिनों यहाँ पर आए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने नमामि गंगे की 500 करोड़ से अधिक की योजनाओं का, परियोजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ किया। जी 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 जी। तो वो इसीलिए मैंने वो टाइटल रखा कि मैंने इतना काम हो रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है, पब्लिक एनजीओज है वो काम कर रहे हैं। तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा है ना। हाँ, आपका एक तरह से ये आपने इसमें कहा होगा कि यमुना तो फिर भी मैली, आप इतना कुछ कर रहे हो, घोषणाएं कर रहे हो, जब भी चुनाव आते हैं तब ये कह रहे हो कि हम सरकार बनते ही ये कर देंगे वो कर देंगे, और यमुना को शुद्ध कैसे किया जाता है ये हम जानते हैं, नदियों को कैसे स्वच्छ किया जाता है ये हम जानते हैं, अगर आपको देखना है कि नदियां कैसे स्वच्छ होती हैं तो आप फलां प्रदेश में जाइए और देखिए वहां पर, और यमुना तो फिर भी मैली। हाँ, तो मैंने उसके पीछे यही देखा कि सब हो रहा है लेकिन मेरी जो यमुना है वो अभी भी वैसी की वैसी जस की तस है, यमुना तो फिर भी मैली। तो उसमें उस तरीके का मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में संदेश दिया है, वो दिखाया है। इसने इतना चुभन दी है हमको आपके इस टाइटल ने, इसलिए क्योंकि हम यमुना के प्रतिदिन के श्रद्धालु हैं। जी हाँ, थोड़ा बहुत आचमन भी करते हैं, और आज ही हमसे कुछ लोग कह रहे थे ऐतिहासिक पुराणों में, और उसमें तो यम से निकालने का बताया गया है, बिल्कुल कि बिल्कुल स्नान करके यम के तार से आप निकल जाते हो। तो हमारी कथाओं में और हमारे पुराणिक चीजों में वो सारी चीजें हैं। यमुना जी परम कृपाल जगत में, यमुना जी परम कृपाल, बिल्कुल बिल्कुल। और याते डरपत है काल, है काल, तो वही वही कुल मिलाकर यमुना जी बहुत तो कृपाल है, लेकिन इस समय बहुत ही उनकी दशा है वो बड़ी बिल्कुल दुखद है, कष्ट होता है प्रतिदिन। आज ही मैं बता रहा था ना कि कह रहे थे, मिले थे हमें कि खत्री जी आप यमुना जी का देखो, मैंने कहा कि जो आपको कष्ट होता है तो हमें भी एक फिल्म मेकर होने के नाते सोसाइटी की, समाज की कुछ चीज़ों को देख के कष्ट होता है। आप अपने माध्यम से बताते हैं, हम अपने माध्यम से बताते हैं, तो हमने उसे एक डॉक्यूमेंट्री में प्रयोग के अपने माध्यम से बताया। तो एंड में क्या कुछ आपने कहा कि कैसे ये स्वच्छ हो सकती है यमुना? सारे जो सुझाव दिए हैं कि कैसे पानी को क्या करना चाहिए, क्लीनिंग कैसे करें, वो टेक्निकल बातें हैं बहुत सारी जी, जो कि उसमें रखी हुई है, मैं लिंक शेयर करूँगा जी, जी जी देखिएगा जी जी जी। तो जो उस समय के, क्योंकि ये बात है तकरीबन मुझे लगता है कि 2013-14 की बात है जब मैंने बनाई थी 14 में, तो अभी इतने साल बीत गए हैं तो और भी चीज़ें रिफ्रेश हुई हैं, तो शायद उनमें से एक आध चीज़ें पुरानी हो गई है, जैसे प्लास्टिक डालना होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसको कैसे रिवाइव करा जाए, वहाँ ड्यूटीज़ या वो है वो कैसे रखी जाए, केमिकल कैसे बाहर करा जाए, क्या हो, वो सारे सुझाव। दीक्षा से शिक्षा की ओर में क्या आप कहना चाहते हैं? दीक्षा से शिक्षा की ओर में हम ये कहना चाहते थे जिस फिल्म के माध्यम से कि एक करेक्टर, उसमें हमने उसको नाम दिया था चंदा, उस लड़की का नाम था चंदा, तो हमने उसमें ये दिखाया था कि ये चंदा ये एक ही नहीं है, ये यहाँ इसका नाम चंदा है लेकिन ऐसी बहुत सी चंदाएं हैं जो कि मथुरा आगरा में, उत्तर प्रदेश में, इस भारत देश में कितनी ही ऐसी चंदाएं हैं जो इस तरीके से इस ट्रैफिक पे, एक सड़क पे, ये सब जो कि चाहती है उसे शिक्षा मिले लेकिन नहीं मिल पा रही, और वो मजबूर है, वो विवश है भिक्षा मांगने को, और ऐसी भिक्षा और भिक्षा मांगने को। तो कैसे हमारे उस फिल्म के दौरान उसकी बात को, उसकी आत्मा की आवाज़ को सुन के कोई आता है और उसको उस शिक्षा के रास्ते तक लेके जाता है जी, तो ये उसका एक संदेश था कि ऐसी चंदाएं बहुत सारी हैं, हर जगह पर पाई जाती हैं, है ना। तो आपके पास में भी अगर कोई ऐसी चंदा है या कहीं चंदा है तो आप उसके लिए ऐसा प्रयास करें, बहुत अच्छा तो एजुकेशन तक लेके जाएं, शिक्षा तक लेके जाएं, बहुत अच्छा आपका ये धंधा है मैं ये कहूँगा, क्योंकि एक छोटे से स्तर से उठकर फीचर फिल्मों तक पहुंचना और बड़ी बड़ी फिल्में रुपहले पर्दे की बनती हैं और वो आजकल कोई खास मैसेज नहीं दे पाती हैं, हाँ, और गाने बजते रहते हैं ऊट पटांग, और ऐसे ऐसे गाने हैं कि आप पूछो ही मत, कि समझ नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर के जा रहे हैं, चल रहे हैं, बीट्स का कोई मैसेज नहीं है, है ना। और हम फिर से आते हैं आई एम हीरो पर, आई एम जीरो पर, जीरो जीरो आप हीरो हैं वैसे। बिल्कुल, डायरेक्टर लोग भले ही हो, जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि नहीं यार वो आई एम जीरो नहीं है, आप आई एम हीरो। हाँ, तो कुछ लोग तो मुझे इंडस्ट्री में जो नाम से परिचित अच्छे से, वो मुझे सूरज तिवारी ना भूल के
मुझे आई एम जीरो और आई एम हीरो बोल रहे हैं, मेरा नाम वो रख दिया उन्होंने जी। तो आई एम जीरो को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, जितना आप कह चुके हैं उससे आगे रवाना अपनी ट्रेन करें। मैं बिल्कुल करता हूँ। आई एम जीरो बेसिकली इज अबाउट टू ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटी। और ये थोड़े से मैं बताऊँ तो ये एक कहानी ऐसी है जो कि धर्म की जो धंधा है उसको थोड़ा सा तोड़ती है। क्योंकि जब ईश्वर अल्लाह गॉड हमारा पैदा किसी को करता है तो वो ये कोई मोहर लगा के या कोई कार्ड दे के या कोई टिकट दे के नहीं भेजता है कि धर्म का ढोंग, धर्म का पाखंड। आप ही हो, आप इस परिवार में पैदा हो जाते हो तो आप हिंदू हो जाते हो, उस परिवार में पैदा हो जाते हो तो मुसलमान हो जाते हो। मतलब जैसी आपको परवरिश मिलती है वो तो एक बिल्कुल रॉ आपको बच्चा आता है जी। आप उसको जो सिखा दोगे वो वही हो जाता है। एक मुस्लिम लड़की गीता पढ़ती है, फिर उससे उसकी अन्य जो परिसर की परिस्थितियाँ हैं वो क्या कहती है? वो इस तरीके की हैं कि जो उस लड़की की मदर हैं वो एक्चुअली उन दंगों से, जो दंगे हुए पहले, उन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हैं। वो अपने शौहर को खो चुकी हैं उस दंगे में, और हिंदू मुस्लिम दंगे में खो चुकी। बड़ी बात यह है कि वो औरत जो अपने पति को उसी दंगे में खो चुकी है, लेकिन वो अपनी बच्ची को ये नहीं सिखा रही, समझा रही कि ये हिंदू गलत है और ये मुसलमान गलत है। वो शिक्षा का पाठ ये पढ़ा रही है कि बेटा सब इंसानियत है। जब तू पैदा हुई थी तो मेरे आसपास कोई मुस्लिम नहीं था, वो हिंदू लोग थे, वो लोग थे जिन्होंने तुझको तेरे को पैदा होने में मदद करी थी, वो लोग थे। तो कोई भी परिभाषा नहीं होती, सारे धर्म, कुरान शरीफ हो और आपका चाहे वो गीता हो, चाहे वो हमारे ग्रंथ हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, सभी हमें संदेश एक ही तरीके का देते हैं, इंसानियत एक ही तरीके का देते हैं। हम परिभाषाएं, जो धर्म गुरु हैं वो परिभाषाएं बदल देते हैं समझाने में, लेकिन संदेश कोई भी धर्म तोड़ता नहीं है, कोई भी धर्म तोड़ने का संदेश नहीं देता है, सभी जोड़ने का संदेश देते हैं। तो वही हम इसमें दे रहे हैं, और उस आत्मा से हमने अंत में कनेक्ट किया है। जब उस लड़की को एक मौलाना धर्म के खातिर उसको गीता पढ़ने से और कंपटीशन में जाने से रोक देता है, उसकी जान ले लेता है, तो उसकी आत्मा ये संदेश देती है अंत में कि तुम जान मौलाना ले लेता है या वो खुद दे देती नहीं है? नहीं, वो खुद नहीं देती है, वो फिल्म आप देखेंगे तो पता चलेगा। मतलब फिर वो उसकी आत्मा मरने के बाद ये संदेश दे रही है कि तुमने मुझे तो मार दिया, उस लड़की की कि आपने मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरी आत्मा को कैसे मार पाओगे? आत्मा तो अजर है, अमर है। हाँ। मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, इन्हें माफ़ कर देना जिन्होंने मुझे मार दिया। वो मरने के बाद माफ के लिए बोल रही है। क्या कॉम्बिनेशन है ये तीनों चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है सर, आप समझो। ये ईसाई भी धर्म लिया है, ईसाई और गुरु ग्रंथ साहब सबका समावेश करके एक लाइन लिखी गई है। इन्हें माफ कर देना, इन्हें माफ कर देना। ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनको नहीं समझ है। वो दुनियादारी में उलझे हुए हैं, इनको नहीं समझ है कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें माफ कर देना, अब मेरी ये आत्मा जो कि मरती नहीं है, इमोर्टल है, अब मेरी ये आत्मा किसी दूसरे शरीर में जाके इस इंसानियत के पैगाम को, संदेश को आगे बढ़ाएगी, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आजकल की जो फिल्में होती हैं वो क्यों, मतलब इस तरह से कोई संदेश देने वाली नहीं होती हैं, फुहड़ता उनमें ज़्यादा होती है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर कि समाज ही हमारा ऐसा हो गया है या कि फिल्मकार ऐसे हो गए हैं, निर्माता निर्देशक नहीं पैसे के पीछे भाग रहे हैं? फिल्मकार ऐसे नहीं हो गए हैं, जो हो गए हैं उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के एग्जांपल आपने देखे होंगे, जैसे वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी पे कटाक्ष ज़रूरी नहीं है जी। तो जी, जो फिल्में कॉन्टेंट ओरिएंटेड, स्टोरी ओरिएंटेड बन रही हैं वो अभी भी सक्सेस हो रही हैं। पिछली आप फिल्मों के उदाहरण ले लीजिए, चाहे वो आपकी राजी रही हो, मुल्क रही हो, और अभी स्त्री जो रिसेंटली रिलीज हुई है वो रही हो, तो सब कहानी कह रही हैं फिल्में, अच्छी कहानी कह रही हैं जी। और वो कहानी कहती फिल्में हमेशा हिट हो रही हैं जी, चाहे वो तब का समय रहा हो सिनेमा का, जब से 1913 से फिल्में बनना शुरू हुई, और चाहे आज 2019 का समय हो जी, कहानी जो कहती है फिल्म वो कभी फ्लॉप नहीं होती है। और जो कहानी भटकती है वो हमेशा फ्लॉप होती है, चाहे आप उसमें किसी भी स्टार को। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे अंग प्रदर्शन और फुहड़ता और देखिए दर्शक वर्ग अलग पटंगा, आप साहित्य की बातें कर रहे हैं, आप साहित्य सुनना चाहते हैं तो आपको चारों तरफ साहित्य दिखाई देगा जी। मैं अगर जो आप बात बोल रहे हैं अंग प्रदर्शन या वैसे गाने सुनना चाहते हो, तो मुझे सिर्फ वही दिखाई देगा, चाहे मैं गूगल ओपन करूँ, चाहे मैं सिनेमा में जाऊँ। तो हर चीज़ है, आपको लेना क्या है जी, डिपेंड उस पर करता है सर, आपको चाहिए क्या जी।
तो डिमांड उसकी ज़्यादा है पूर्णता की। फिल्म मेकर, कुछ फिल्म मेकर को ऐसा लगता है, सबका अपना परसेप्शन है, सबको सोचने का अपना नज़रिया है, तो उनको ये लगता है कॉमर्स है, क्योंकि अल्टीमेटली करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है सर फिल्म बनाने में, इन सारी चीज़ों में, तो वो भी ज़रूरी है, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। रिकवरी उसकी भी ज़रूरी है। एक एक फिल्म से हज़ार हज़ार लोग जुड़ते हैं जी। और जो प्रोड्यूसर जो लोग होते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए दाव पे लगा होता है उनका, बिल्कुल तो वो बर्बाद हो जाएंगे, तो उनको उस कॉमर्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी होती मजबूरी है। आपने बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया है और उनके सारे ऐबों को ढाक दिया। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, वो आप अच्छा इसको एक्चुअली आप इसको ढाक रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे उनका दर्द पता है, मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, तो मुझे फिल्म मेकर का, प्रोड्यूसर्स का दर्द पता है कि क्या क्या चीज़ें दाव पे लगी होती हैं। पिछली कहानियाँ कितनी लोगों ने सुनी कि राज कपूर साहब ने अपना घर बेच दिया था, ये दाव पे लगा दिया था, तो वो बात सच है, गलत कुछ नहीं है। इतने जुनूनी लोग होते हैं सिनेमा में जी, जो उनके अंदर दिल में बात चल रही है वो दिखाना चाहते हैं, उसके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। कला का क्षेत्र है ये, कला का क्षेत्र है ये। लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि धन का प्रभाव अधिक है। धन का प्रभाव इसलिए है कि पहले इतनी लागत नहीं होती थी, नहीं होती थी, लेकिन अभी लागत इतनी होती है, और फिर वो 100 करोड़ क्लब में शामिल होना, वो सिर दर्द, वो टेंशन, उसी तरीके पहले कलाकार भी केवल कला का प्रदर्शन करते थे, कुछ डिमांड नहीं रखते थे, है ना? कॉमर्स है, टोटल कॉमर्स है, और हर चीज का ध्यान रखा जाता है। इतने प्रचार पे पैसा खर्च करना है, इतना स्टार वैल्यू रखनी है, नहीं तो दर्शक नहीं जाएगा। अब मेरी कहानी कितनी भी बढ़िया हो, बहुत सारे लोगों की कहानी कितनी बढ़िया हो, लेकिन लोग नहीं देखने जाते, क्योंकि उसमें उनका स्टार नहीं है, रणबीर नहीं है, सलमान नहीं है, शाहरुख नहीं है, या कपूर साहब नहीं है, कोई और नहीं है। बहुत कुछ हमको ऐसा मिल गया है सार के रूप में, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, है ना? तो उस तरह का आपसे काफ़ी मिल गया है। लेकिन एक सवाल और जहन में अभी चल रहा है, वो है मी टू से जुड़ा हुआ। इस मी टू को लेकर क्या सोचते हैं आपकी? आप मी टू बॉलीवुड की बात कर रहे हैं या मी टू ओवरऑल बात कर रहे हैं? मी टू हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। ये हॉलीवुड से निकाला हुआ एक शगुफा है, वहाँ पर इसने जन्म लिया जी, और इसे ट्रैवल करने के लिए भेज दिया पूरे वर्ल्ड में जी। तो ये वो लोग इन कला में, इन फन में माहिर हैं कि इस तरीके की चीज़ें निकालें और भेज दें, और वो ऐसा बड़ा बवंडर बने, और उनको वो भी एक कॉमर्स से जुड़ी हुई चीज़ है। हाँ। लेकिन मैं उसके पीछे की बात पे आता हूँ जो आप पूछना चाह रहे हो, तो मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया जी। जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ये जो मीटू है ना सर, ये हर क्षेत्र में है, वेरी नाइस, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है। आप ट्रूली बोल रहे हैं, और ये मुझे लग रहा है। सर ऐसे बनता नहीं है जी, जब तक मेरी संवेदनाएं या किसी भी लड़के लड़की की आपस में संवेदनाएं वो लगा, वो चीज नहीं बनती है जी, वो सहमति नहीं होती है, तब तक ये मीटू जन्म नहीं लेता सर। आज के समय में और आज के मीडिया के इस दौर में, क्या किसी लड़की को आप या किसी भी औरत को आप ऐसे करके देख भी नहीं सकते हो सर? टच करने की बात तो बगैर रजामंदी के, और इतने दिन कहां रहे आप जब उसकी रजा? अब क्यों ये कहे आप? मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब इतना हो गया, आपने सब सहमति से सब कुछ करा, अब आप क्यों बाहर निकल के आ रहे हो? ये फंडे चल रहे हैं इसका मतलब बॉलीवुड तो में सिर्फ आजकल... ये फंडे नहीं है, ये सिर्फ ये है कि लोकप्रियता पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैंने फिर बोला, अब ये इंडिया का नहीं है ना, ये आपके बाहर से आया है ना, तो मीटू बाहर की चीज है। हाँ। जो यहाँ पर आई है। हाँ। उसको फॉलो तो यहाँ के लोग कर रहे हैं ना, यहाँ की लड़कियाँ? नहीं नहीं, किया वो उन्होंने नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड है, वो एक मीटू बना, वहाँ से आपका ये रातों रात टॉप उसमें आया, टॉप रेटिंग में आया, और वो एकदम उछाल मारा और यहाँ तक आया। फिर वो पुरानी पुरानी जो जो चीज़ें थी, सारे पर्दे उनके लोगों ने खुलना शुरू कर दिए। अब आप इसको बात करेंगे तो आप मुझे बताओ कि कहाँ नहीं है यार? एजुकेशन में नहीं है, मीडिया में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, कहाँ नहीं, क्षेत्र में नहीं है ये चीज़? मेरा अगला सवाल होता, वो आपने खत्म कर दिया, कहाँ नहीं कि है ये? क्या? और मैं अगर इस बात को छोड़ दूं, हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में महिलाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, उनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सारे फ्रीडम दे रहे हैं, सारी कुछ बात कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन मेरी दरख्वास्त है, हो सकता है महिलाएं मुझसे इस बात से एग्री करें, इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मेरा फिर भी कहना ये है कि मैं, ये सभी महिलाएं इसमें शामिल नहीं हैं, आजकल महिलाएं और वो बोल्ड इतनी हो गई हैं भाई, मतलब समझ नहीं आता कि खुद से ही आप मतलब कुछ भी टॉप पे जाने के लिए कुछ भी करने को आप तैयार हो, उसके बाद आप लोगों को अगर हरास करते हो, फंसाते हो, तो ये मेरी समझ में नहीं आता एक्चुअली।
जी, और जो इस फील्ड में आना, बोल्ड होइए, दिमाग से बोल्ड होइए, जैसा आपको फैशन करना, जो पहनना पहनिए, सबकी आज़ादी है, हमारा संविधान बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी देता है, आप फॉलो करिए सारी चीज़ें जी। लेकिन किसी पायदान पर पहुंचने के लिए आप कुछ गलत सोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, फिर उसी सोर्सेज को आप एक और बार अपने प्रचार में शामिल करते हो, तो शायद ये सही नहीं है। आपसे जो बातचीत हमारी हो रही है वो वास्तव में हमको अच्छी लग रही है जी, थैंक यू सो मच। और आपसे जो उत्तर मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं जिनके कारण ये अच्छी लग रही है वार्ता आपसे करते हुए हमको, क्योंकि सार निकल कर आ रहा है, फुहड़ता नहीं जा रही है, कम से कम हमारे प्रसारण में तो हम ये सोच रहे हैं। और आप जो कुछ भी अपना इसमें बयां कर रहे हैं बहुत ही नपातुला और सार गर्भित है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके, ऐसा कुछ, हाँ जी कुछ कंटिन्यू कीजिए आप। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल टीवी टुडे का, जो कि आज जिसके माध्यम से मैं ये सारी बातें बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये मीडियम आपका लाखों लोगों तक आपकी आवाज़ जाती है जी, तो कहीं कुछ पहुँचे और कुछ किसी को अच्छा पॉजिटिव जी हो जाए, रिस्पॉन्स मिले, तो हमारी बात सार्थक होगी जी। जी, अब आखिर में आपका एक संदेश सभी को समाहित करते हुए, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, या निर्देशन में आना चाहते हैं, निर्माण में आना चाहते हैं, या समाज में जो रहना चाहते हैं, उनको लेकर उन्हें क्या देना चाहते हैं? फ़िलहाल तो मैं अपनी फिल्म से रिलेटेड ही बात करूँगा, आई एम ज़ीरो से रिलेटेड ही, और वो ये है कि देखो, हम जहाँ पर भी आते हैं हमें सिर्फ एक इंसानियत का परिचय देना चाहिए सबसे पहले, अपनी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जी, वो तो एक बात है। दूसरी बात ये कि जो इस लाइन में आना चाहता है जी, एक्टर के तौर पे, एक्ट्रेस के तौर पे, लेखक के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे, तो चूँकि अभी मीडियम की कमी नहीं है, कोई भी आज की डेट में यूट्यूब पर अपना चैनल बना के कुछ भी करना शुरू कर देता है, तमाम ऐप बन रही हैं, कोई भी एक्टिंग शुरू कर रहा, कुछ भी कर रहा है, लेकिन मेरा इतना रिक्वेस्ट है सिर्फ कि चाहे आप फिल्म मेकिंग के फील्ड में आइए, चाहे आप मीडिया में जाइए, चाहे आप एजुकेशन में जाइए, पूरी तैयारी के साथ जाइए, वेरी नाइस, पूरा अध्ययन करिए, जो उसकी टेक्निकलिटीज़ की चीज़ें उसमें घुसिए, लेखन की चीज़ें उसमें घुसिए, पहले पूरा सीखिए उसे, दो चार पाँच साल उसमें लगाइए, उसके बाद आप उतरिए किसी चीज़ में। मैं भी अपना कुछ और काम करता था, मैं जब इस फील्ड में आया, चूँकि मैं ऑलरेडी पहले से बना चुका था शॉर्ट फिल्म, सारी चीज़ें बना चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पुणे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करा, सीखा, उसके बाद मैं प्रोफेशनली आया, तो मुझे लगता है कि वो वर्थफुल चीज़ें हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ जीए इंस्टीट्यूट से निकल के, सीख के एक दो साल दीजिए और ट्रैवल करिए, घूमिए, देश दुनिया देखिए जी, तब आप सीख पाओगे किसी भी फील्ड में जाने के लिए, तब आप परिपक्व हो जी, उस तैयारी से जाओगे तो आप कभी फेल नहीं होने वाले। बहुत बढ़िया, आपने जो कहा है वो बहुत सही कहा है आपने, हमारे पास शब्द नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि इसको भी थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या बात है, तो मतलब आपको यदि कुछ पाना है जी हाँ, तो उससे पहले कुछ आपको कर दिखाना है और उसका अनुभव लाना है, ये नहीं कि आप बगैर तैयारी के कूद पड़े। जब दिखाने वाली आपकी बात है ना, वो कर दिखाने वाली बात सिर्फ अपने लिए होनी चाहिए, मतलब वो जो आपकी तैयारी है वो दुनिया को दिखनी नहीं चाहिए, वो आपकी तैयारी आप तक और सिर्फ आप तक होनी चाहिए और वो चलती है। वेरी नाइस, उसके बाद जब आप काम करोगे तो वो जो दिखने वाला है दुनिया को, वो अपने आप दिखने वाला है, वो रास्ता फिर वो बनाता जाएगा आपका। जय हो, आप तैयारी का प्रोपोगंडा करते जाओगे, जय हो, तो वो कुछ और ही है। जय हो, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बस यही कहूँगा मैं कि मन तो नहीं कर रहा हमारा कि हम आपसे इस बातचीत के क्रम को विराम दें, है ना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, और इतना भी नहीं बातचीत करनी है कि लोग बोर हो जाएं और ऐसा कहें लोग कि जैसे धारावाहिक रामायण और महाभारत आता था और उसका जब एपिसोड ख़त्म हो जाता था तो कहते थे कि ये थोड़ा और चलता, तो हम उस स्टेज तक ही रखना चाहते हैं इसको। आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपने इतना वक्त हमें दिया, इतना समय हमें दिया, इतनी बातचीत हमसे की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टीवी टुडे का, और ये जो दुनिया और जिसके बारे में ये पूरा एक ऐसा संस्मरण जुड़ा है, ये पूरा हुआ है, इसमें दुष्यंत जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि
रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया जी, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। वेरी नाइस, दुष्यंत जी की बात आपने कर दी है, तो दुष्यंत जी की बात से ही मैं आज के इस साक्षात्कार और आज के अपने इस प्रोग्राम के एपिसोड लुत्फे ज़िंदगी के एपिसोड को विराम दे रहा हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बढ़िया, और अब आज के इस लुत्फे ज़िंदगी को यहीं पर संपन्न करने की अपने दोस्त योगेश खत्री को मेरे साथी चंदन सैनी के साथ इजाज़त दीजिए, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं क्रिकेट प्लेयर था, एक्चुअली नेशनल क्रिकेट प्लेयर था, मैंने सारी ट्रॉफीज सब कुछ खेली हुई, और अचानक से एक प्ले ने, एक नाटक ने इस खिलाड़ी की दुनिया बदल दी और सीधे फिल्मी दुनिया की तरफ पदार्पण हो गया। उस नाटक को देख के मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैं जो अंदर से जो मेरी आत्मा कह रही है, वो शायद ये है।